नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं विद्या गुरु और इस वीडियो में आपके लिए जो दिसंबर में करंट अफेयर बना है उसके सेकंड वीक में जो भी करंट अफेयर कवर हुआ है उन सभी को मैं यहां पर कवर करूंगा। इसमें सभी टॉपिक के साथ साथ सारे क्वेश्चंस जो इम्पॉर्टेंट है उनको कवर करता हुआ चलूंगा। इसमें स्टैटिक जीके वाला पोर्शन भी कवर करूँगा जिससे कि आपको क्वेश्चन से रिलेटेड स्टैटिक जीके एक ही जगह पर मिल जाए, साथ साथ क्वेश्चन को डिटेल में हम पढ़ते हुए चलेंगे। क्वेश्चन किस प्रकार से आपको वीडियो में प्राप्त होंगे तो उनकी बात करें तो टाइम्स मैगजीन के द्वारा अलग अलग पर्सन ऑफ द ईयर अनाउंस किए गए हैं, जैसे कि स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर, पर्सन ऑफ द ईयर, सीईओ ऑफ द ईयर, इन सभी की बात करेंगे। साथ साथ चीफ मिनिस्टर तेलंगाना में बने हैं और भी दूसरे स्टेट्स में चीफ मिनिस्टर बने हैं उन सभी की बात करेंगे। पहले साउथ एशिया कंट्री कौन सी ऐसी बनी है जिसने गे मैरिज को रजिस्टर किया है, साथ साथ एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड। आपने सुना होगा कि सात अजूबे हैं इस दुनिया में जिसमें भारत के पास भी एक अजूबा है, लेकिन अब आठवां अजूबा कौन सा घोषित कर दिया गया है उसकी बात करेंगे। साथ साथ कौन कौन से सात अजूबे हैं उनकी भी बात करेंगे, भारत में कौन सा है उसकी भी बात होगी। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने CRPF में अभी रिसेंटली में उनके DG रिटायर हो गए हैं तो उनकी जगह पर किसको यहाँ पर अपॉइंट किया है एडिशनल DG के रूप में, उनकी बात करेंगे। और वो क्या और कोई पद भी धारण किए हुए हैं, साथ उनके चर्चा होगी। और इसरो की कौन सी साइंटिस्ट है जिनको लीजन ऑफ ऑनर फ्रांस का हाईएस्ट अवार्ड मिला है, और इम्पॉर्टेंट डेज की तो हम लास्ट में चर्चा करते हैं। चले स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन है हमारे लिए टाइम्स मैगजीन के द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर 2023 किसे अनाउंस किया गया, तो पर्सन ऑफ द ईयर टेलर स्विफ्ट को अनाउंस किया गया है। ये एक सिंगर है और साथ साथ इस समय पर एक प्लेटफॉर्म है स्पॉटिफाई। कौन सा? स्पॉटिफाई में सबसे ज़्यादा सर्च की जाने वाली ये महिला है और साथ साथ ही हाईएस्ट अर्निंग फीमेल आर्टिस्ट है इस समय पर, और 12 ग्रैमी अवार्ड इन्होंने पूरे अपने करियर में जीते हुए हैं। ठीक, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे पर्सन ऑफ द ईयर टेलर को। ठीक, यहाँ पर टाइम्स मैगजीन के द्वारा OpenAI के को फाउंडर सैम अल्टमैन जो कि CEO ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किए गए, क्योंकि OpenAI में जो ChatGPT आपने सुना होगा ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एक डेवलप करता है, कोई भी कंटेंट या कोई भी अगर आप क्वेश्चंस वगैरह इसमें पूछते हैं तो आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पर बेस्ट से बेस्ट एफिशिएंट माध्यम से देने की कोशिश करता है। तो ChatGPT आप आर्टिफिशियल टूल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल है जिसके ये को फाउंडर हैं और OpenAI के ये CEO हैं और फाउंडर भी हैं। तो OpenAI के CEO और फाउंडर हैं सैम अल्टमैन, इनको टाइम्स मैगजीन के द्वारा CEO ऑफ द ईयर 2022 का अनाउंस किया है, 2023 का अनाउंस किया है। 2022 में इन्होंने काम किया, उसके लिए 2023 में इनको अनाउंस किया। ध्यान रखिएगा अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉल प्लेयर है लियोनल मेसी जो कि 2022 में वर्ल्ड कप हुआ था कतर में, वो भी अर्जेंटीना की टीम ने ही जीता था। तो लियोनल मेसी को एथलीट ऑफ द ईयर 2023 का अनाउंस किया गया है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में यूनेस्को ने किसे शामिल किया है, तो गुजरात का ट्रेडिशनल डांस है गरबा, गरबा को यूनेस्को के द्वारा इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया। और गरबा के शामिल होते ही भारत के 15 टोटल इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में जो थिंग्स हैं वो शामिल हो चुकी हैं। गरबा न्यूली यहाँ पर इंक्लूड हुआ है। इससे पहले 2 साल पहले कोलकाता की दुर्गा पूजा 2021 में इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज में यूनेस्को ने शामिल की थी। उससे पहले बात करें कुंभ
कुंभ को भी यहाँ पर एज अ कल्चरल इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज के रूप में यहाँ पर शामिल किया जा चुका है। कब से ये कल्चरल हेरिटेज शामिल किए जा रहे हैं, तो यहाँ पर कल्चर हेरिटेज लिस्ट इंटेंजिबल कल्चरल इंटेंजिबल जो लिस्ट है इसमें 2008 से इसको बनाया जा रहा है। कन्वेंशन 2003 में हुआ था और 2008 से लिस्ट तैयार की जा रही है। टोटल दुनिया में बात करें तो 700 से ज़्यादा यहाँ पर इंटेंजिबल लिस्ट में जो अलग अलग थिंग्स हैं उनको शामिल किया गया है, जिसमें 2008 में जो संस्कृत थिएटर था कुट्टी यट्टम इसको शामिल किया गया था। भारत के पहले प्रोडक्ट्स थे, पहली थिंग्स थी या पहले इंटेंजिबल कल्चरल थी, कल्चर थिंग्स थी जिनको यहाँ पर शामिल किया गया था। और 2008 में ही ट्रेडिशनल ऑफ वैदिक चैंटिंग को शामिल किया गया और तीसरा था रामलीला। इन तीन चीज़ों को 2008 में यूनेस्को ने इंटेंजिबल लिस्ट में शामिल किया था। यूनेस्को बहुत ज़्यादा बात कर ली है, तो यूनेस्को की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में अवेलेबल है। आंद्रे अजोले इसके डीजी हैं और 1945 में इसे फाउंड किया गया था। अगला क्वेश्चन, अभी तेलंगाना में चुनाव हुआ, टोटल 5 राज्यों में चुनाव हुआ, तेलंगाना में चुनाव हुआ, वहाँ पर कांग्रेस की सरकार बन जाती है और कांग्रेस की सरकार बनते ही वहाँ पर नए चीफ मिनिस्टर कौन, अनुमुल्ला रेवंत रेड्डी यहाँ पर कांग्रेस को लीड कर रहे थे, कांग्रेस के लीडर थे और अब ये सीईओ के पद पर तेलंगाना में विराज हो चुके हैं। ध्यान रखिएगा चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना कौन बन गए हैं, तो अनुमुल्ला रेवंत रेड्डी। ध्यान रखेंगे डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी बनाया गया है, किसको, मल्लू भाटी विक्रमरका को। तो मल्लू भाटी विक्रमरका जो कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने हैं और अनुमुल्ला रेवंत रेड्डी ये चीफ मिनिस्टर बने हैं तेलंगाना के। इनको ओथ किसके द्वारा दिलवाई गई, तो गवर्नर इस समय पर तमिलसाई सुंदरराजन है जो कि तेलंगाना की गवर्नर है, उनके द्वारा ही ओथ दिलाई गई है। यहाँ पर कांग्रेस को बहुमत मिला है और अगर बात करें कितनी टोटल सीटें मिली, तो 119 सीट्स तेलंगाना में टोटल है और कांग्रेस को 64 सीट्स यहाँ पर मिली है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 64 सीट्स कांग्रेस को मिली है, बीजू जो ऑलरेडी बीआरएस सत्ता दल थी इससे पहले, इस चुनाव से पहले उनके पास सत्ता थी, उनको इस समय 39 सीटें मिली हैं और बीजेपी को 8 सीटें और 7 सीटें एआईएमआईएम को और एक अन्य के खाते पर गई हैं। ठीक, आगे बात करें और याद रखिएगा जो तेलंगाना है वो बाइकैमरल है, यहाँ पर असेंबली भी है और यहाँ पर काउंसिल भी है, यहाँ विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। टोटल 6 राज्य ऐसे हैं, 6 स्टेट्स ऐसे हैं जिनके पास लेजिस्लेचर बाइकैमरल है। कौन कौन से हैं, उत्तर प्रदेश, दूसरा है बिहार, तीसरा है महाराष्ट्र, चौथा कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ये 6 राज्य ऐसे हैं जिनके पास असेंबली, जो उनकी असेंबली भी है और काउंसिल भी है, लेजिस्लेचर बाइकैमरल है। ठीक, आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है लोकसभा, लोकसभा ने जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2023 को पास कर दिया है। इसके माध्यम से जम्मू कश्मीर में अब इलेक्शन होगा। जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी है जो कि विधानसभा होल्ड करती है। हमारे पूरे देश में 3 ऐसे यूनियन टेरिटरीज हैं जो कि विधानसभा होल्ड करती हैं। कौन कौन से, एक तो जम्मू कश्मीर, दूसरी दिल्ली, तीसरी है पांडुचेरी। तो 3 यूनियन टेरिटरीज है जिनमें जम्मू भी है। अब जम्मू की यहाँ पर सीट को फिक्स कर दिया गया है। जम्मू में टोटल 114 सीट्स हैं, पहले कितनी थी, 107 थी, यहाँ पर 14 सीट हो चुकी है, 114 सीट हो चुकी है। अमित शाह जी के द्वारा ये पूरा पार्लियामेंट सेशन में पास करा दिया गया बिल। अब सीटों का अगर डिवाइड देख लिया जाए कि अलग अलग रीजन्स में कितनी कितनी सीटें यहाँ पर मिली हैं, तो जम्मू
जम्मू रीजन को यहाँ पर 43 सीट्स मिली, पहले 37 थी। कश्मीर रीजन को 47 सीट्स मिली, पहले यहाँ पर 46 सीट्स थी। और 24 सीट्स यहाँ पर पीओके पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के लिए भी रिजर्व कर दी गई हैं। जब वो भारत का भाग बनेगा तो उसके लिए 24 सीट्स अलग से अवेलेबल होंगी। तो टोटल मिलाकर जम्मू कश्मीर को 114 सीट्स मिल चुकी हैं, लेकिन इलेक्शन अभी 90 सीट्स में होगा और जब पीओके भारत का हिस्सा हो जाएगा तो 24 और सीट्स में चुनाव होगा। ध्यान रखिएगा, एक एक बिंदु में आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन, मेंस वॉलीबॉल क्लब वर्ल्ड कप वर्ल्ड चैंपियनशिप, क्या मेंस वॉलीबॉल क्लब वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 कहां पर ऑर्गेनाइज होगा? ये भारत में ऑर्गेनाइज होगा और ऐसा पहली बार हो रहा है कि मेंस वॉलीबॉल क्लब वर्ल्ड चैंपियनशिप भारत में हो रही है, इसीलिए इम्पॉर्टेंट है। भारत में होने के साथ साथ ये बेंगलुरु, कर्नाटका की कैपिटल बेंगलुरु में इसे ऑर्गेनाइज कराया जाएगा, ध्यान रखिएगा। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, फर्स्ट सर्वे सिप जो कि लॉन्च की गई है, जिसका नाम संधायक है, क्या संधायक, याद रखिएगा संधायक, जो कि पहली सर्वे सिप है भारत की और जिसको गार्डन रीच सिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता बेस्ड है, इनके द्वारा डेवलप किया गया, साथ साथ इंडियन नेवी को ये डिलीवर किया जा चुका है। इसका डेवलपमेंट 2018 से यहाँ पर साइन हुआ था कि आप इसको बनाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था और 2019 से इन्होंने बनाना स्टार्ट कर दिया था और अब 2023 है, 2023 में पहली सर्वे सिप इंडियन नेवी को गार्डन रीच सिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स के द्वारा प्राप्त हो चुकी है, ध्यान रखेंगे, पहली इंडिजीनियसली, ज़्यादातर सामान इसमें भारतीय लगा हुआ है, ध्यान रखेंगे, और संधायक इसका नाम है। अगला क्वेश्चन, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस के द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर अनाउंस किया गया, किसको, रिज को, किसको, RIZZ रिज को, ध्यान रखिएगा ये बहुत ज़्यादा वायरल वर्ड है, इसीलिए इसको यहाँ पर वर्ड ऑफ द ईयर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस के द्वारा अनाउंस किया गया। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है वंस स्टाइल, एल्योर, चार्म या करिश्मा, इस प्रकार से इसका मतलब निकल कर आता है। तो ये एक अट्रैक्ट के लिए, ये एक एबिलिटी टू अट्रैक्ट अ रोमांटिक पार्टनर रिप्रेजेंट करता है ये वर्ड, इसीलिए ये वायरल भी रहा सोशल मीडिया पर, इसीलिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस के द्वारा इसको वर्ड ऑफ द ईयर 2023 घोषित किया गया। अभी रिसेंटली में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने भी वर्ड ऑफ द ईयर अनाउंस किया था, किसको किया था, ह्यूली सीनेट, क्या ह्यूली सीनेट, HULICINAT ह्यूली सीनेट को यहाँ पर घोषित किया था वर्ड ऑफ द ईयर। ठीक, आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, लोकसभा के द्वारा रिसेंटली में एडवोकेट अमेंडमेंट बिल 2023 पास किया गया, इसके माध्यम से जो लोकसभा में, इसके माध्यम से जो हमारी कैबिनेट है वो क्या करना चाहती है, इसके माध्यम से यहाँ पर जो मीडियम्स हैं, मीडियम को यहाँ पर हमारा कोर्ट है, हमारा जो हाई कोर्ट और जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वहाँ से मीडिएटर्स को हटाना चाहती है। अब ये मीडिएटर्स क्या हुआ, देखिए जब आप कोर्ट में कभी गए हो, वैसे आप में से अधिकतरों का शायद जाना ना हुआ हो, लेकिन जब आप कोर्ट में जाते हैं तो आपको ना वकील तो डायरेक्टली नहीं मिलते हैं, उनके पहले आपको बिचौलिए मिल जाते हैं, जो बिचौलिए क्या करते हैं, वो वकील से आपको मिलवाते हैं और साथ साथ आपका जो भी सेटलमेंट है वो उन्हीं के माध्यम से हो रहा होता है। अब वो जो बिचौलिए हैं, मान लीजिए आप पर कोई पेनल्टी लगती है 25,000 की, तो बिचौलिए उसमें कुछ हेरा फेरी भी कर सकते हैं, तो इन बिचौलियों को यहाँ से हटाने के लिए, इन मिडलमैन्स को यहाँ से हटाने के लिए लोकसभा ने एडवोकेट अमेंडमेंट बिल 2023 यहां पर लागू किया है, यहां पर पास किया है, जिसके माध्यम से मिडलमैन को कोर्ट से रिस्ट्रिक्ट किया जा सके, हटाया जा सके, ध्यान रखिएगा। और इस समय पर हमारे कानून मंत्री हैं, उनके द्वारा ऐसा किया गया।
अगला क्वेश्चन, साइक्लोन मिछोंग अभी रिसेंटली में आया है, आपको याद होना चाहिए ये बे ऑफ बंगाल से उठा था और तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में इसने बहुत ज़्यादा तबाही मचाई थी। तो मिछोंग नाम का जो साइक्लोन है इसने साउथ इंडिया में काफ़ी ज़्यादा तबाही मचाई, इसका अफेक्ट झारखंड, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा पर भी देखा गया। झारखंड, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में इसके इफेक्ट्स बारिश के रूप में आपको दिखाई देते हैं। और मिछोंग बे ऑफ बंगाल से उठा, मैंने आपको बताया बे ऑफ बंगाल से उठने के साथ साथ इसका नामकरण म्यांमार के द्वारा किया गया था, जो इंडियन ओशियन, अरेबिक सी और बे ऑफ बंगाल के आसपास वाले 13 कंट्रीज हैं, उन 13 कंट्रीज ने अलग अलग नाम अनाउंस किए हुए बताए हुए हैं, लिस्टिंग हुई है। उस लिस्टिंग में से जो भी नाम सीक्वेंस वाइज पड़ता है वही साइक्लोन का नाम रख दिया जाता है जो इस रीजन में उठते हैं। तो यहाँ पर मिछोंग जो कि म्यांमार के द्वारा नाम सजेस्ट किया गया था और म्यांमार के द्वारा इस साइक्लोन का नाम पहले ही अनाउंस किया जा चुका था। अगले जो साइक्लोन आने वाले हैं उनका नाम भी हमें ऑलरेडी मालूम है अकॉर्डिंग टू द लिस्ट। ठीक, आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, सीनियर मेंस नेशनल हॉकी चैंपियनशिप किसके द्वारा जीत ली गई? तो ये पंजाब हॉकी टीम के द्वारा जीत ली गई है। यहाँ पर हरियाणा की जो टीम है उसको हराकर पंजाब हॉकी टीम ने सीनियर्स मेंस नेशनल हॉकी चैंपियनशिप को जीता। इसको ऑर्गेनाइज कहाँ कराया गया है? तो तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई में इसे ऑर्गेनाइज कराया गया था। पंजाब की कैपिटल चंडीगढ़ है और चंडीगढ़ ही हरियाणा की भी कैपिटल है। चंडीगढ़ खुद में एक यूनियन टेरिटरी है, ध्यान रखिएगा। टोटल भारत में इस समय पर एट यूनियन टेरिटरीज हैं, ध्यान रखेंगे, उनमें चंडीगढ़ भी एक उनमें से यूनियन टेरिटरी है। बनवारी लाल पुरोहित यहाँ के गवर्नर, चीफ मिनिस्टर भगवंत मान है। ठीक, आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, COP28 समिट कहाँ ऑर्गेनाइज हो रहा है? तो यूएई की एक सिटी है दुबई, वहाँ पर इसे ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है। इसमें भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा भी पार्टिसिपेट किया गया। इसको कब से कब तक ऑर्गेनाइज किया गया? तो 30 नवंबर से लेकर 12 दिसंबर तक इसे ऑर्गेनाइज किया गया। ध्यान रखिएगा, एनवायरनमेंट से रिलेटेड यहाँ पर बातें हुई, एनवायरनमेंट को किस तरीके से कंजर्व किया जा सके, किस तरीके से ऐसा बनाया जा सके कि आने वाली पीढ़ियों को भी हम अच्छा एनवायरनमेंट, शुद्ध एनवायरनमेंट दे सके, इसके लिए यहाँ पर चर्चाएँ होती हैं और यहाँ पर 28 नंबर की बैठक यहाँ पर ऑर्गेनाइज हुई है। भारत भी COP8 को यहाँ पर होस्ट कर चुका है, ध्यान रखेंगे। आज तक भारत को एक ही बार यहाँ पर होस्ट का मौका मिला है। कोप का मतलब क्या है? कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज, जिसको ऑर्गेनाइज कौन करता है, कौन ऑपरेट करता है? तो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के द्वारा इसको ऑपरेट किया जाता है और इसको 1994 में इस्टेब्लिश किया गया था। पहला जो कोप था उसको जर्मनी में 1995 में ऑर्गेनाइज किया गया। मैंने आपको बता दिया COP8 भारत में ऑर्गेनाइज हुआ कब, 2002 को, ध्यान रखिएगा। ठीक, आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, हॉर्नबिल फेस्टिवल हर साल कहाँ ऑर्गेनाइज होता है? तो हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में नागा हेरिटेज विलेज किसामा में ऑर्गेनाइज हुआ है इस बार, याद रखेंगे। वैसे तो नागालैंड के अधिकतर एरिया में होता है लेकिन यहाँ पर जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं उनके द्वारा भी पार्टिसिपेट किया गया है। यहाँ पर जो नागालैंड है, नागालैंड के अलावा भी बहुत सारे जैसे त्रिपुरा हो गया और कुछ असम के रीजन्स में भी इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। ठीक, आगे बात करें। हॉर्नबिल फेस्टिवल, अगला क्वेश्चन है, फर्स्ट साउथ एशियन कंट्री कौन है जिसने रजिस्टर किया है गे मैरिज को? तो ये कोई और नहीं, ये नेपाल है। ध्यान रखिएगा, भारत नेपाल के साथ 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, यहीं पर पहली सेम सेक्स मैरिज को रजिस्टर किया गया, गे मैरिज को रजिस्टर किया गया, ध्यान रखिएगा। सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन है, आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक, आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, बुकर प्राइज किसको मिला है? तो बुकर प्राइज पॉल लिंच को मिला है। किसको? पॉल लिंच को। और पॉल लिंच, इनको इनकी नोवेल
प्रॉफिट सॉन्ग के लिए यहाँ पर बुकर प्राइस के लिए सिलेक्ट किया गया है। ध्यान रखिएगा, इससे पहले 2022 में श्रीलंका के एक ऑथर थे सेसान करुणातिलका। कौन? सेसान करुणातिलका। इनको मिला था बुकर प्राइस 2022 का। बुकर प्राइस फर्स्ट टाइम 1969 से स्टार्ट किया गया था। ठीक, आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है डेविस कफ। डेविस कफ टेनिस का एक कफ है जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है और एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो डेविस कफ जिसको इटली के द्वारा यहाँ पर जीत लिया गया है। ध्यान रखेंगे, ऑस्ट्रेलिया को यहाँ पर हराया गया है और ये मैच जो फाइनल इसका हुआ था वो स्पेन में ऑर्गेनाइज कराया गया था। क्या भारत भी इसमें पार्टिसिपेट करता है? तो भारत भी इसमें पार्टिसिपेट करता है। तीन बार रनर अप रहा है, 1966 में, 1974 में और 1987 में, लेकिन तीनों बार भारत यहाँ पर हार गया था। इटली ने इस बार इसे जीत लिया है। ठीक, अगला क्वेश्चन, एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड किसे घोषित किया गया? तो आठवां अजूबा किसे घोषित किया गया है? तो आठवां अजूबा अंकोर वाट टेम्पल, किसको? जो कंबोडिया में अवेलेबल अंकोर वाट टेम्पल है, इसको एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड घोषित किया गया है। ये किंग सूर्यवर्मन सेकंड के द्वारा डेवलप किया गया था। 800 साल पुराना ये एक टेम्पल है और किसके? किंग सूर्यवर्मन सेकंड के द्वारा इसको डेवलप किया गया। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी ये इंक्लूड है, ध्यान रखेंगे। ठीक, और ये यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे अंकोर वाट टेम्पल। अब आठ वंडर कौन कौन से हैं? तो आठ वंडर में ग्रेट वॉल ऑफ चाइना भी शामिल है, चिचेन इत्जा भी शामिल है, पेत्रा शामिल है, माचू पिज्जू शामिल है, क्रिस्ट द रिडीमर शामिल है, कोलोजियम शामिल है और भारत का यहाँ पर एक स्थल ताजमहल भी एट वंडर ऑफ द वर्ल्ड में शामिल है। और साथ नया कौन शामिल हुआ है? तो अंकोर वाट टेम्पल जो कि कंबोडिया में अवेलेबल है, इस टेम्पल को एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन, अर्जेंटीना के नए प्रेसिडेंट कौन चुने गए? तो अर्जेंटीना के नए प्रेसिडेंट जेवियर मिली चुने गए हैं। जेवियर मिली ये खुद अपने आप को गे कहते हैं कि ये गे पर्सनैलिटी वाले एक पर्सन है जेवियर मिली, और ये चाइना और ब्राज़ील को लगातार क्रिटिसाइज़ करते हैं। इनके कुछ फैसले अजीब हैं, जिनमें से जो इनकी कुछ घोषणाओं में से मैं आपको बताऊं तो ये अपने यहाँ पर जो इनका नेशन बैंक है, जिस प्रकार से सेंट्रल बैंक है भारत का आरबीआई, उस प्रकार से इनका जो सेंट्रल बैंक है, इन्होंने प्रॉमिस किया हुआ है कि हम उसको बंद कर देंगे और अपने यहाँ की जो पीसो, जो इनकी करेंसी है पीसो, उसको बंद करके नेशनल करेंसी यूएस डॉलर को हम लीगल करेंसी के रूप में बनाएंगे। तो ये इनके कुछ यहाँ पर डिसीजंस हैं, यहाँ पर डिसीजन मतलब यहाँ पर इन्होंने घोषणाएं की हुई है कि मैं ऐसा करूँगा। अगला क्वेश्चन, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एडिशनल चार्ज डायरेक्टर जनरल सीआरपीएफ का किसको दिया है? आंसर होगा अनीश दयाल सिंह। अनीश दयाल सिंह जो कि आईटीबीपी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस में डीजी के पद पर काम कर रहे हैं, इनको ही एडिशनल चार्ज सीआरपीएफ का दे दिया गया है। और सीआरपीएफ के डीजी कौन थे? तो एसएल थाउसेन थे, वो 30 नवंबर को रिटायर कर गए और उनके बाद एडिशनल चार्ज अनीश दयाल सिंह के द्वारा संभाल लिया गया है। ठीक, आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, यूपी गवर्नमेंट जो कि अपने यहाँ पर महिलाओं को बस में जो सुविधाएं हैं फ्री ट्रैवल की सुविधा देने वाली है, और वो महिलाएं कौन सी होंगी? तो 60 साल से ज़्यादा जो उम्र की महिलाएं हैं उनको उत्तर प्रदेश में फ्री ट्रैवलिंग का, जो उनकी रोडवेज बसेस चलती हैं उनमें फ्री ट्रैवलिंग की सुविधा उत्तर प्रदेश सरकार प्रोवाइड कराने जा रही है। ठीक, अगला क्वेश्चन, पहली फीमेल डायरेक्टर कौन बनी है? किसकी? इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एजुकेशन की। तो पहली फीमेल बनी है इसलिए इम्पॉर्टेंट है, कंचन देवी। कंचन देवी जो कि इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एजुकेशन में डीजी के पद पर अपॉइंट हुई है। इसको किसको? इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एजुकेशन को 1986 में फाउंड किया गया था। ठीक, आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, तो अभी रिसेंटली में 84th नंबर की ग्रैंड मास्टर भारत की बनी है,
चेस में ग्रैंड मास्टर होता है ये आपको मालूम होगा। तो ग्रैंड मास्टर बनी है जिनका नाम आर वैशाली है। अब आर वैशाली जैसे ही ग्रैंड मास्टर बनी और इनके भाई भी ऑलरेडी आर प्रज्ञानंदा ग्रैंड मास्टर हैं, ये बहुत ज़्यादा प्रचलित है। तो अब ऐसा पहली बार ऐसा हुआ है कि सिस्टर और ब्रदर दोनों पेयर ग्रैंड मास्टर हैं और वैशाली आर प्रज्ञानंदा दोनों भाई बहन हैं। अगर बात करें आर वैशाली की तो 2023 में ये ग्रैंड मास्टर बनी है। आर प्रज्ञानंदा की बात करें तो 2018 में ये ग्रैंड मास्टर बने थे। दोनों अब यहाँ ग्रैंड मास्टर हो चुके हैं। अगर महिलाओं की बात करें तो टोटल 84 ग्रैंड मास्टर भारत में है। अब इससे पहले टोटल अगर महिलाओं में बात करें तो 3 वुमेन्स ऐसी हैं जो कि अभी तक ग्रैंड मास्टर रही हैं। कौन कौन सी? कोनेरू हम्पी, हरिका दोरोनावल्ली और आर वैशाली। ध्यान रखिएगा, तो 3 अभी तक महिलाएं ऐसी हैं जो कि ग्रैंड मास्टर बनी है। 81 यहाँ पर पुरुष हैं। ठीक, आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, इसरो के साइंटिस्ट हैं जिनको फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला है जिसको लीजन ऑफ ऑनर कहा जाता है। तो लीजन ऑफ ऑनर जो वीआर ललित अंबिका को प्राप्त हुआ है, इसरो की ये साइंटिस्ट हैं, ध्यान रखिएगा। इनसे पहले इसरो के जो चेयरमैन थे एएस किरण कुमार, ये पहले साइंटिस्ट ऐसे बने थे जिनको फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड 2019 में मिला था। ठीक, आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, अफ्रीकन रीजन की एक टीम है युगांडा, क्रिकेट टीम है युगांडा की, जो कि आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप जो 2024 में होने वाला है उसके लिए क्वालिफाई कर गई हैं। ध्यान रखिएगा, युगांडा की टीम अफ्रीकन रीजन की एक टीम है जो कि आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए क्वालिफाई कर गई। लेकिन युगांडा पहली बार ऐसा हो रहा है कि आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप खेलने वाली है। ठीक, यहाँ पर आप टीम को देख सकते हैं। अगर आईसीसी T20 वर्ल्ड कप की बात करें तो इसको 2007 से स्टार्ट किया गया था। भारत ने पहला वर्ल्ड कप T20 का जीत लिया था। और अगर सबसे लास्ट जो वर्ल्ड कप हुआ था वो 2022 में हुआ था जिसको इंग्लैंड ने जीत लिया था। अगला क्वेश्चन, यूनियन कैबिनेट ने गरीब कल्याण फूड प्रोग्राम को एक्सटेंड कर दिया है। कितने सालों के लिए? 5 सालों के लिए। प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा यहां पर अनाउंसमेंट की गई थी कि गरीब कल्याण फूड प्रोग्राम, जिसके माध्यम से हर पर्सन को घर में जिनके पास राशन कार्ड बना हुआ है 5 किलो अनाज उनको मुफ्त दिया जाता है। तो अब अगले 5 साल तक जो लोग हैं उनमें उनको उनके पास जिनके पास राशन कार्ड है उनको मुफ्त 5 किलो अनाज पर पर्सन दिया जाएगा, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से, जिसको 2020 में स्टार्ट किया गया था कोविड पैंडेमिक के समय पर। ठीक, आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, स्टेट गवर्नमेंट जिसने मिशन दक्ष चलाया, वीकर स्टूडेंट्स जो कि स्कूल में हैं उनको स्पेशल एक टीचर यहाँ पर अलोकेट किया जाए और उनके एजुकेशन को देखे कि क्या कमी रह रही है कि वो कमज़ोर है, यहाँ पर स्कूल एक्टिविटीज़ में उनको भाग दिलवाया जाए उस टीचर के माध्यम से, साथ साथ जो लंच ब्रेक होगा उसके समय उसकी एक्टिविटीज़ को नोटिस किया जाए। मतलब जो मिशन दक्ष होगा वो कमज़ोर बच्चे, जो कमज़ोर स्टूडेंट्स हैं स्कूलिंग परफॉर्मेंस में कमज़ोर है उनके लिए एक टीचर एलोकेट किया जाए। वो उस टीचर के पास लगभग 5 स्टूडेंट्स होंगे, उनकी वो एक्टिविटीज़ को नोटिस करें और उनके अंदर कंपटीशन की भावना जगाए, उनके एजुकेशन सिस्टम को, एजुकेशन जो उनका बेकार हो रहा है, उनके हिसाब से कमज़ोर वो हो रहे हैं, उनको बेहतर करने की कोशिश करें। तो मिशन दक्ष बिहार गवर्नमेंट ने इसे चलाया है। अब इम्पॉर्टेंट डेज को रिवाइज कर लेते हैं। जैसे वर्ल्ड एड्स डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं? तो 1 दिसंबर को हम वर्ल्ड एड्स डे ऑब्जर्व करते हैं। एड्स वो बीमारी है जो कि वायरस के माध्यम से होती है। इसका वायरस का नाम है HIV, ह्यूमनो इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। एड्स की बात करें तो एड्स इसकी फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम है। इसको पहली बार 1988 में ऑब्जर्व किया गया था। WHO और यूनाइटेड नेशन के द्वारा इस डे को ऑब्जर्व किया जाता है। अगर इसकी थीम की बात करें तो इस बार की इसकी थीम लेट कम्युनिटीज लीड इसकी थीम रखी गई है। ठीक,
अगला क्वेश्चन, इंडियन नेवी डे कब हम ऑब्जर्व करते हैं? तो 4 दिसंबर को हम इंडियन नेवी डे ऑब्जर्व करते हैं। क्यों? क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का वॉर 1971 में हुआ था और उस समय पर जो इंडियन नेवी ने अपना वीरता का प्रदर्शन किया 4 दिसंबर को, 3 दिसंबर को, उस समय पर जो 3 दिसंबर को अटैक किया और 4 दिसंबर को विक्ट्री प्राप्त कर ली, और इसीलिए 4 दिसंबर को हम इंडियन नेवी डे के रूप में ऑब्जर्व करते हैं। इस समय इसके जो चीफ हैं वो एडमिरल आर हरि कुमार हैं। इंडियन नेवी को 1950 में फाउंड किया गया था। ठीक, अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड सॉइल डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं? तो वर्ल्ड सॉइल डे 5 दिसंबर को ऑब्जर्व करते हैं। इसको पहली बार 2014 में ऑब्जर्व किया गया था। इस बार की इसकी थीम सॉइल एंड वाटर आ सोर्स ऑफ लाइफ रखी गई है। इसमें सॉइल की इम्पोर्टेंस को बताने के लिए इसे ऑब्जर्व किया जाता है 5 दिसंबर को। ठीक, अगला क्वेश्चन, नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं? तो नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे हम 2 दिसंबर को ऑब्जर्व करते हैं। 2 दिसंबर को क्यों? भोपाल गैस ट्रेजडी जो कि 1984 में हुई थी इसी समय हुई थी, इसीलिए हम 2 दिसंबर को ऑब्जर्व करते हैं, जिससे कि लोगों के अंदर अवेयरनेस फैला सके। 3 दिसंबर को जो कि नाइट का समय था 1984 में इंसिडेंट हुआ था भोपाल गैस ट्रेजडी का। भोपाल गैस ट्रेजडी में जो टॉक्सिक गैस है मिथाइल आइसोसाइनेट वो लीक कर गई थी और इसमें लगभग 15,000 लोग मारे गए थे और 5,00,000 से ज़्यादा लोग यहाँ पर अफेक्ट हुए थे। ठीक, और ये जो कंपनी थी जो जहाँ से लीक हुई थी गैस वो वारन एंडरसन उसके CEO थे। अगला क्वेश्चन, इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं? तो इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे हम 7 दिसंबर को ऑब्जर्व करते हैं। ध्यान रखिएगा, किसके द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है? तो इसको यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 1996 में डिक्लेयर किया था और इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको ऑब्जर्व किया जाता है, इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे। ठीक, अगला क्वेश्चन, महापरिनिर्वाण दिवस हम कब ऑब्जर्व करते हैं? तो 6 दिसंबर को हम महापरिनिर्वाण दिवस ऑब्जर्व करते हैं। इस दिन B.R. अंबेडकर जी का निधन हुआ था, इसीलिए हम 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में ऑब्जर्व करते हैं। अगर अंबेडकर जी की बात करें तो 14 अप्रैल 1891 में उनका जन्म हुआ था और उनकी मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को हुई थी। ये भारत के पहले लॉ मिनिस्टर के रूप में भी कार्य कर चुके थे। ठीक, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है, कंटेंट इम्पॉर्टेंट लगा है, तो आपसे अनुरोध करूँगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो से रिलेटेड कुछ सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर करेंगे, ऐसी उम्मीद करता हूँ। धन्यवाद।